Yes, this is Shikha, and today's topic is parts of speech. So parts of speech जो है आपने सिक्स क्लास से पढ़ते आए हो, बट आज मैं आपको सिर्फ ब्रश अप करने जा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो कम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल के एग्जाम से बिल्कुल अलग होते हैं और वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन की समझ चेक की जाती है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आएंगे। सो चलो शुरू करते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके जो हैं देर आर एट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, फोर्थ इज वर्ब, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ कंजक्शन, सेवेंथ है प्रेपोजिशन, एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। जो मेन है वो सात है आपके, तो सात प्रेपोजिशन तक इंटरजेक्शन में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो शुरू करते हैं फर्स्ट से नाउन। ये डेफिनेशन तो सबको आती ही होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सो सभी को आती होगी, नेचुरली है, बट डेफिनेशन तो एग्जाम्स में पूछी नहीं जाएगी। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि इसका नाउन का फंक्शन क्या होता है। सो सीधा एग्जाम्पल से लेती हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल है रुचिका, माई सिस्टर, रुचिका माई सिस्टर, प्लेस, राइट। तो इसमें एक तो रुचिका क्या होगी, आपको पता ही है कि नाउन जो होता है वो नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया, क्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो नाउन होती हैं। तो रुचि का एक तो नाउन हो गया, राइट, और माय सिस्टर, सिस्टर भी नाउन हो गया, क्रिकेट आल्सो नाउन। तो देखिए रुचि का सब्जेक्ट, इसलिए ये नाउन है। सिस्टर है किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब रुचिका क्या है, सिस्टर है, उसकी बहन है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है किसी इसको सब्जेक्ट को। और जो क्रिकेट है तो इसके क्या काम क्या कर रही है, वो क्रिकेट क्रिकेट खेल रही है, तो ये भी नाउन हो गया। इतना तो सभी को नेचुरली आता ही होगा। आगे हम काइंड्स पढ़ेंगे। सो काइंड है नाउन की, फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमा नाउन, थर्ड
that is material noun. Fourth is collective noun. And last is abstract noun. Abstract. So first is proper noun. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को मैं साथ ही आपको समझा दूंगी, साथ ही रिलेट हो जाएगा ये कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन की डेफिनेशन ये होती है, द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, प्लेस होता है या थिंग होता है, उसको प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं. और कॉमन नाउन इज द नेम शेयर्ड इन ए कॉमन इन एवरीवन, कॉमन बाय एवरीवन, राइट. सो प्रॉपर नाउन के बारे में पहले कॉमन नाउन के बारे में लेती हूँ, फिर प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे कॉमन नाउन में हमने कहा गर्ल, राइट. मान लो अगर एक क्लास है, क्लास में अगर आप किसी को कॉल करते हो कि यू गर्ल कम हियर, राइट. तो गर्ल, अब इतनी सारी गर्ल्स होती हैं क्लास में, अब ये समझ में नहीं आएगा कि गर्ल कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. सो अगर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, यही गर्ल का नाम अगर हम मधु दे देते हैं, राइट. अगर हम बोलते हैं कि मधु यू कम हेयर, तो मधु को पता है कि मेरा नाम मधु है, तो वो एकदम से आ जाएगी, ठीक है. यस, तो एक और लेते हैं. जैसे कॉमन में हमने बोला बुक, ठीक है. जब कोई टीचर बोलता है कि ओपन योर बुक, तो कौन सी बुक, बुक पर्टिकुलर बुक के बारे में जब वो बात करेगा तब समझ में आएगा. तो प्रॉपर में आपका हो गया इंग्लिश बुक. तो ये कॉमन और प्रॉपर नाउन हो गया. होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. जो भी मेटल से रिलेटेड होता है वो मटेरियल नाउन हो गया, राइट. जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, ये सारे आपके मटेरियल नाउन हो गए. सो इसमें ज्यादा समझने वाली बात है नहीं. सो नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव में जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है कलेक्टिव, ठीक है. कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट करके जो नाउन बनता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे टीम, टीम, जो टीम है वो एक पर्सन से नहीं बनती है, राइट. उसमें बहुत सारे प्लेयर या चाहिए उसको टीम बनाने के लिए. और जैसे आपका क्राउड हो गया, क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़. तो ये भी कलेक्टिव नाउन होता है. क्लास, अब एक स्टूडेंट क्लास नहीं बना सकता, बहुत सारे स्टूडेंट ही क्लास बनाते हैं, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया. नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन.
अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, जो भी एक्शन, स्टेट या क्वालिटी। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं ब्यूटी, ब्यूटी ये क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी है उसकी, कोई भी गर्ल है जो भी है, ये होगी आपकी क्वालिटी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन शो करती है। देन लाफ्टर, लाफ्टर इज एक्शन। ऑनेस्टी, पावर्टी, ऑनेस्टी, ये सारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब जो है नाउन तो मेन बस यही थे, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही था आपका, यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, बट जब नाउन कर रहे हैं तो ये आपको समझ होने चाहिए कि काइंड्स कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं इसके। बट आजकल जो है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी होती है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, सो ये है आपका, फर्स्ट है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ये नाउन में शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, और सेकंड है अनकाउंटेबल। सुना ही होगा आपने इसके बारे में, काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल होता है विच वी कैन काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, काउंट किया जा सकता है, जैसे पेन, बुक, चेयर, ये सारे काउंटेबल हो गए। और अनकाउंटेबल वो होता है जिसमें विच कांट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल हो गया, वाटर, राइट, मिल्क, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड की तरफ चल। ये सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है द प्रोनाउन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, सो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सो डेफिनेशन है इसकी, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन, वो वर्ड्स जो कि नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। सीधा एग्जांपल की तरफ चलूंगी, सो एग्जांपल देखना ध्यान से। एग्जांपल है सिया फेल्ड, सिया फेल्ड बिकॉज, बिकॉज सिया डिड नॉट वर्क हार्ड, did not work hard। अब देखिए सिया तो यहाँ पे क्या है, सिया सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिया क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। सिया फेल्ड हो गई बिकॉज सिया डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि सिया ने मेहनत नहीं की थी। तो हम क्या करेंगे, टू टाइम्स
सिया नहीं लिखेंगे, एक तो सब्जेक्ट हो गया, ये तो लिखा ही जाएगा आपका, दिस इज योर नाउन। तो मैंने लिखा कि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के स्थान पे रिप्लेस करते हैं हम जिनको। तो यहाँ पे सिया का यूज नहीं करेंगे, सिया इज गर्ल, तो यहाँ पे शी यूज होगा, तो ये आपका शी जो हुआ ये प्रोनाउन हो गया। तो हम ये ऐसे लिखेंगे, सिया फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। समझ आ गया? तो प्रोनाउन जो होते हैं वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे ही प्रोनाउन होते हैं। यस, तो प्रोनाउन के 9 काइंड्स होते हैं आगे, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और इसी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काइंड्स हैं इसके 9। तो साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी और आपको समझाती भी जाऊंगी, ठीक है? फर्स्ट है आपका पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जिससे किसी पर्सन, पर्सन, एनिमल, पर्सन, एनिमल या फिर थिंग के बारे में पता चलता है, थिंग के बारे में पता चलता है उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई एम स्लीपिंग, ठीक है? नेक्स्ट है वी आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। सिंपल है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आगे पर्सनल प्रोनाउन के भी नेक्स्ट 3 पर्सन्स होते हैं, सुना होगा आपने, इसके पर्सनल प्रोनाउन के भी आगे 3 पर्सन्स होते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप टेंस करोगे तो दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इसमें 3 पर्सन में पहला आता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? नेचुरली है खुद को। तो फर्स्ट पर्सन में द प्रोनाउन आई एंड वी डिनोट, आई एंड वी डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, मतलब जो बात करने वाला होता है, जो बात करता है वो, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सो सेकंड आ गया इसमें, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बात हो रही है? आमने सामने अगर कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एक तो फर्स्ट पर्सन खुद को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और जो सामने वाला होता है मीन्स यू। सो द प्रोनाउन यू डिनोट्स द पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, किससे बात हो रही है। तो यू जो हो गया वो आपका सेकेंड पर्सन हो गया। नेक्स्ट थर्ड पर्सन, थर्ड मीन्स द प्रोनाउन ही शी इट एंड दे डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें आएगा ही, शी, इट, दे। इस जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है इसको दिमाग में बिठा लेना, आगे बहुत काम आते हैं ये, ठीक है? फर्स्ट पर्सन मतलब आई, वी जो बात करने वाला है ये, और सेकंड हो गया आपका बात सुनने वाला, और थर्ड हो गया जिसके विषय में बात की जाती है। अब इसके भी नेक्स्ट है, सेकंड प्रोनाउन इज
interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में टू आस्क क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इसमें जैसे हु who, whose, whom. ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये किए जाते हैं पर्सन्स के लिए. पर्सन्स फॉर पर्सन, पर्सन्स के लिए ये तीनों यूज किए जाते हैं, who, whose and whom. अब एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. जैसे who का एग्जांपल लेते हैं. सो who broke this slate, मतलब ये स्लेट किसने तोड़ी. तो इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछेंगे आप, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, कुछ भी आंसर दे दो, जैसे रिया. सो रिया क्या है? रिया इज ए नाउन. तो आंसर क्या आया? नाउन में आया आपका आंसर. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन ही ये होती है कि जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. तो ये आ गया आपका प्रोनाउन. ठीक है, हु ब्रोक दिस स्लेट. तो आंसर क्या आया? रिया. रिया हो गया नाउन. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि जो नाउन के स्थान पे रिप्लेस होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हुआ. नेक्स्ट इज हुज. सो हुज का है आपका एग्जांपल, हुज फ्रॉक इज दिस. हुज फ्रॉक is this. तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर नाउन में आएगा. नाम ही होगा ना किसके, फ्रॉग. ये फ्रॉग किसकी है? तो मान लो सिया की. सिया लिख देते हैं यहाँ पे, सिया. तो ये भी पर्सन है और नाउन है. सो नेक्स्ट इज whom. सो whom का, whom did you see yesterday? Whom did you see yesterday? तुमने कल किसको देखा? इसका आंसर भी क्या आएगा? तो किसी का नाम ही होगा, मतलब किसी पर्सन का नाम ही होगा. मान लो राम लिख देते हैं इधर. ठीक है, तो I mean to say that who, whose और ये whom जो है वो इन तीनों का use जो है वो persons के लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है. तो ये आपने याद रखना है. और maximum question जो है वो इस यहाँ से बनते हैं. सो थोड़ा ध्यान देना आपने. ठीक है, next. सो नेक्स्ट है व्हाट. सो व्हाट का यूज इंटरोगेटिव में, व्हाट का यूज जो है इंटरोगेटिव में थिंग्स के लिए किया जाता है, थिंग्स के लिए किया जाता है. एग्जांपल, व्हाट इज दिस. व्हाट इज दिस हम कैसे किसी से पूछते हैं, व्हाट इज दिस. सो आंसर क्या आएगा? मान लो किसी ने बोल दिया पेन. तो पेन क्या है? पेन इज थिंग. पेन थिंग है. तो ये आपने याद रखना है कि वर्ड का यूज जो है वो थिंग्स के लिए होता है. नेक्स्ट है विच. मैंने आपको पार्ट्स में करवाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. विच का यूज जो है वो दोनों के लिए किया जाता है. एक तो आपके पर्सन्स के लिए एंड थिंग्स.
दोनों के लिए इसका यूज किया जाता है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। विच ऑफ दीज शर्ट्स, विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू लाइक बेस्ट। ठीक है, विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू लाइक बेस्ट, मतलब इन शर्ट्स में से आपको सबसे अच्छी शर्ट्स कौन सी लग रही है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है प्रोनाउन, थर्ड पार्ट है इसका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ये दो वाक्यों को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन जो होता है उसको एंटीसिडेंट कहते हैं, उससे संबंध प्रकट करता है। आगे आपको समझ आएगा। जो दो वाक्य होते हैं उनको ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जैसे और इसके एग्जांपल्स हैं, आगे आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। हु, होम, दैट एंड विच। ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ। I met Ram. I met Ram, who returned my book. Who returned my book? अब देखिए, पहले मैंने आपको इसीलिए नहीं समझाया ताकि यहाँ पे समझाती हूँ। राम क्या है? राम है नाउन, राइट? और हु क्या है? हु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सो ये हु जो है दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हु कौन हुआ? हु प्रोनाउन अगर लेते हैं हम तो ही के तौर पे लेंगे। सो इस ही को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एंटीसीडेंट। ये जो हु होता है इसको कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और ये एंटीसीडेंट जो होता है वो संबंध प्रकट करता है इसके और इसके, नाउन ये हो गया आपका एंटीसीडेंट प्रोनाउन जो हुआ, प्रोनाउन से पहले ये नाउन आया, तो इसको जो हम कहेंगे वो हम करेंगे एंटीसीडेंट। ठीक है, समझ आ गया। और इसके रिलेटिव प्रोनाउन के भी आगे टू टाइप्स होते हैं। सो ये है आपका इसके रिलेटिव प्रोनाउन के टू टाइप्स। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? इसमें ये राम नाउन और ये प्रोनाउन, इसकी कोई विशेषता नहीं होती, विशेषता प्रकट नहीं होती। मतलब आई मेट राम, मैं राम से मिला जिसने मेरी बुक वापस कर दी, इन दोनों में कोई भी ऐसा मतलब रिलेशन नहीं है, कोई ऐसी विशेषता नहीं है
रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट की विशेषता प्रकट नहीं करता, ये हो गया वो आपका एंटीसीडेंट, इसकी विशेषता नहीं प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएटिव। और सेकंड है आपका रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। इन दोनों में नाउन और प्रोनाउन में जो विशेषता प्रकट होती है उसको रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये एग्जांपल जो है वो कॉन्टिन्यूएटिव का है, रिस्ट्रिक्टिव का प्रोनाउन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, अब्यूज्ड यू। अब देखिए, आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें गाली दी है। अब ये विशेषता प्रकट कर रहा है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन जो है वो दोनों ये कह रहा है कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें गाली दी है। लेकिन इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटिव में क्या था, कॉन्टिन्यूटिव में वो नहीं जानता था, बस उसने बुक दी थी और वो आपस में विशेषता प्रकट नहीं करते थे, बट यहाँ पे दोनों ये अपनी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि फिर आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। कॉन्टिन्यूएटिव का एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ही ब्रोक माय स्लेट, ही ब्रोक माय स्लेट विच आई bought yesterday। अब देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था ऊपर, मैंने आपको ये समझाया था कि continuative pronoun जो होते हैं उनमें noun और ये हो गया आपका noun और which, which को हम pronoun में अगर लेंगे तो क्या आएगा it, ठीक है, which I bought yesterday जो कि मैंने कल ही खरीदी थी। तो स्लेट और नाउन और प्रनाउन में कोई विशेषता नहीं है, कोई भी विशेषता प्रकट नहीं हो रही है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूटिव है, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव का एक लो एग्जांपल, आई हैव रेड द बुक, read the book that you gave me, that you gave me। अब देखिए, book noun, that pronoun, इन दोनों के बीच में विशेषता है, मतलब relation है। I have read the book, मैंने वो book पढ़ी जो तुमने मुझे दी थी, दोनों के बीच में विशेषता है, तो ये restrictive pronoun हो गया। समझ आ गया? एक बात और, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटिव जो प्रोनाउन होता है उसमें बीच में कॉमा लगता है और रिस्ट्रिक्टिव में कुछ नहीं, जहाँ विशेषता प्रकट होती है, रिलेशन होता है, वहाँ पे कोई कॉमा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।